इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। माननीय उपसभापति जी, आज देश जिन परिस्थितियों में गुजर रहा है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थनीति, देश की स्वास्थ्य, ना केवल देश, दुनिया की अर्थनीति और दुनिया की स्वास्थ्य, ये एक अलग प्रकार की चुनौती भरा क्षण में हम चल रहे हैं। और ये संयोग देखिए, आज हम 2021 की फरवरी महीने में चर्चा कर रहे हैं देश की सबसे बड़ा पंचायत में। अभी अभी हम लोगों ने गणतंत्र दिवस पालन किया और 21वीं सदी के दो दशक पार के हम जब तीसरे दशक में जा रहे हैं, तीसरे दशक की पहला साल, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है। जब दुनिया की अर्थनीति को हम कभी कभी समीक्षा करते हैं, कोई भी अर्थनीति विशेष करके अगर हम अमेरिका को कोट करेंगे, थोड़ा उसको अनुशीलन करेंगे, पिछले सदी में अमेरिका की जो 20s रहा, उसको वहां की अर्थशास्त्रियों ने रोरिंग 20s कहा। ये कोई अमेरिका को कॉपी करने की बात नहीं है, लेकिन एक संयोग देखिए, अभी हमको जिस प्रकार की मौका मिला है और राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में उसके कुछ उल्लेख किया, ये हमारे लिए लगता है कि ये सदी की, ये दशक, ये रोरिंग 20s के नाम पे दुनिया के इतिहास में हम कुछ लिखने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसीलिए हम लिखेंगे कि देश की नेतृत्व करने वाले विश्व की अद्वितीय जननेता श्री नरेंद्र मोदी आज देश की प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी में है। इतना तो प्रजातंत्र में राजा साहब, आप जैसे वरिष्ठ नेता को मेरे जैसे व्यक्तियों के प्रति आपकी, राजा साहब मैं नहीं कर रहा हूं, राजा साहब मर्यादा में हम सब रहे तो अच्छा है, मैं आपसे सीखता हूँ, आपस में बात। लेकिन मेरे नेता को अगर मैं प्रशंसा करूं, जिसको विश्व मानते हैं, आपको इतनी पीड़ा नहीं होनी चाहिए, यह प्रजातंत्र की तकाजा है। राजा साहब मैं इन नहीं कर रहा हूं, मैं आप आदर करता हूं। उपसभापति जी, इस सरकार की और विशेष करके इस नेतृत्व की एक अलग फिलोसफी है। और इसी सदन में, लोकसभा में, मेरे नेता ने कई बार, एक बार नहीं कई बार कहा है कि अब तक जिनके हाथ में इस देश की जिम्मेदारी रही, सबने इस देश की आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। और हमें अभी मौका मिला है प्रजातंत्र में, किसी की खैरात नहीं। लोग कह रहे थे आपको बहुमत मिला तो इतना अहंकार किया है, ऐसा अहंकार नहीं है उपसभापति जी, यह विनम्रता है, यह हमारी जिम्मेदारी है, यह देश की मैंडेट है। 2014 और 2019 में देश की जनता ने कल्याणकारी व्यवस्था चलाने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी को जिम्मेदारी दिया है, यह किसी की खैरात नहीं है, किसी की दया पर हम यहां आए नहीं है, देश के गरीबों की दया पर हम यहां पहुंचे हैं। उपसभापति जी, हमारी कुछ रीत है, कुछ नीति है, कुछ हमारी चरित्र है, कुछ हमारी प्राथमिकता है, मेरे प्रधानमंत्री की कुछ काम करने के तरीके हैं। ये सब तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम आजादी के 75 साल पूरा करने के लिए एक साल पीछे हैं। हम पूज्य बापू की 150 साल जयंती इन दिनों में मनाए हैं। हम इसी साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125 साल, उनकी जन्मदिन अभी अभी प्रधानमंत्री उनके कर्मस्थल कलकत्ता जाके मना के आए और हमें सौभाग्य मिला, हम उनके जन्मस्थान जाके उनको प्रणाम करके आए हैं। उपसभापति जी, 2014 में जब प्रधानमंत्री जी पहली बार एनडीए की नेता चुनने के बाद अपनी प्राथमिकता गिनाए थे, उन्होंने क्या कहा था, मैं आज इस चर्चा के अवसर पर उसको दोबारा उल्लेख करना चाहूंगा, नई बात नहीं है, लेकिन उल्लेख करना चाहूंगा कि मेरा प्राथमिकता देश के गरीबों के लिए रहेगी, देश की महिलाओं के लिए रहेगी, देश के युवाओं के लिए रहेगी, कृषक के लिए रहेगी, वंचित वर्गों के लिए रहेगी, पिछड़े जाति के लोगों के लिए रहेगी, अनुसूचित जाति जनजाति मित्रों के लिए रहेगी। यह हमारी सरकार की नीति है, सबके साथ, सबके विकास,
सबकी विश्वास जितना हमारी नीति रहा है, हमारी सरकार चलाने की मूल मंत्र रहा है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, हम उसी के मंत्र के ऊपर हम गरीब को सबसे ऊपर रख के, गरीब हमारी केंद्र बिंदु में रखते हुए हमने अपना कार्यक्रम चलाया, जिसकी कुछ विषय अभी राष्ट्रपति जी ने अपने सरकार के बारे में उल्लेख किया। मेरे नेतृत्व किसी को पीड़ा हो सकती है, निडर है, डिसाइसिव है, निर्णय करते हैं, कोई भी काम हाथ में लेते हैं, स्लोगान नहीं देते हैं, समय अवधि में उसको पूरा करने की जिम्मेवारी भी लेते हैं। और उसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, अनेक उदाहरण दे सकता हूं लेकिन एक उदाहरण देना चाहूंगा उपसभापति जी। मैंने कहा मैं सब पूर्व प्रधानमंत्रियों को आदर करता हूं और मेरे नेता अटल जी भी प्रधानमंत्री रहे, अनेक महानुभव प्रधानमंत्री रहे, लेकिन बताइए कौन सी प्रधानमंत्री प्रति माह राज्य की सारे वरिष्ठ अधिकारियों को लेके, भारत सरकार की सारे वरिष्ठ अधिकारियों को लेके प्रगति मीटिंग चलाते हैं? प्रगति मीटिंग में कहीं रेल पटरी 50 दशक से शुरू हुई है, न्यू रखा गया, अभी तक पूरा नहीं हुआ था, कभी सिंचाई की प्रकल्प है, कभी कोई अभयारण्य की प्रकल्प है। पिछले दिनों में जिनके हाथ में दायित्व रहा उन्होंने तो घोषणा कर दिया, पीछे मुड़ के देखा नहीं हुआ कि नहीं हुआ। मेरे डिसाइसिव नेतृत्व, निर्णायक नेतृत्व प्रगति मीटिंग करके सबको चरणबद्ध तरीके से उसको पूरा करने के काम किया। पारदर्शी सरकार हमने चलाया, जन सहभागिता को आधार करके हमने सरकार चलाई, जन सहभागिता को एक जन आंदोलन के रूप में, जन सरकार को हमने ध्यान में रखते हुए शासन चलाया। यह हमारी सरकार की रीत नीति रही है। हमारी जैसे मैंने कहा गरीब कल्याण हमारी प्राथमिकता रही, कल्याणकारी राज्य हमारी प्राथमिकता रही। जनधन खाता 42 करोड़ लोगों के खुले हैं, टॉयलेट 10.7 करोड़ लोगों के खुले हैं। अगर मैं एक विषय उल्लेख करूं किसी को बुरा लग सकता है, आजादी जब देश को हुई देश में टॉयलेट 1% लोगों की पास था, जब 75 में आर्यभट्ट छोड़ा गया, हम महाकाश में अपने पराकाष्ठा दिखाए, तब टॉयलेट देश में 2% था। जब विश्व कप हमने जीता 1983 में, तब भी टॉयलेट की संख्या हमारी 2% थी। जब हम नई सदी में पहुंचे 2000 में आए, 1998 की तथ्यों में दिलाता हूं उपसभापति जी, तब भी हम 18% तक टॉयलेट बनाए थे। जब प्रधानमंत्री जी कामकाज संभाले 2014 में, 2 अक्टूबर तक देश में 39% टॉयलेट था, जो आज 70% ODF हुआ है। यह प्रधानमंत्री जी की निर्णायक नेतृत्व की एक उदाहरण मैंने दिया। इलेक्ट्रिसिटी 4 करोड़ लोगों के घरों में पहुंचाई गई है, LPG कनेक्शन उपसभापति जी प्रधानमंत्री जी ने हमें जिम्मेवारी दिया लगाने के लिए। 14 में 13 करोड़ नागरिकों के घर में LPG कनेक्शन था, जो आज बढ़के 29 करोड़ की ओर जा रहा है। यह उपलब्धि है, यह टाइम बाउंड डिसाइसिव गवर्नेंस है। अभी तो देश में एक नया उन्मादना खड़ा हुआ है, माहौल खड़ा हुआ है, नल में जल पहुंचेगी। राज्य सरकार सभी, किसी की भी राज्य सरकार हो, आज भारत सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। हम हर घर जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जी देश को वादा किया है। माननीय रविशंकर जी यहां बैठे हैं, 1000 दिनों में भारत की 6 लाख गांव में इंटरनेट पहुंचाने के लिए हम लोगों ने जिम्मेवारी लिया है। बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मित्रों ने पिछले दिनों में शासन चलाई, 10 साल में 70,000 करोड़ रुपया देके किसान हितैषी का बिला लेके घूम रहे हैं। मेरे प्रधानमंत्री तो सालाना 70,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में DBT कर रहे हैं, कोई बिचौलियों की बिना मध्यस्थता में। एग्रीकल्चर लोन बढ़ाई गई है, मुद्रा योजना, और गरीब कल्याण जो मैं कहता हूं, शिक्षा से सबसे गरीब की भाग्य तब विकास परिवर्तित होती है उसको अगर उचित शिक्षा मिलता है। 34 साल, मैं किसी की आलोचना आज के दिन में करना नहीं चाहता हूं, 34 साल लगा देश की नई शिक्षा नीति में लेके आने के लिए। कोरोना की कष्ट काल में भी मेरे सरकार, मेरे प्रधानमंत्री जी देश की रोजगार के लिए, नौजवानों की आकांक्षा पूरा करने के लिए नॉलेज
और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इसको ध्यान रखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए। अभी आदरणीय वरिष्ठ सदस्य गृह की जो लंबे समय तक किसी राज्य की जिम्मेवारी में रहे, मैं उन्हीं के राज्य में अभी गया था पिछले सप्ताह, बैतूल। उपसभापति जी, बैतूल जिले की बांछा गांव हम गया था, घोड़ा डुंगरी ब्लॉक बैतूल जिले में। हमको सौभाग्य मिला, अनिल उइके नाम के एक गोंड समाज की एक व्यक्ति की घर में उस माता को दर्शन, उसकी पत्नी को दर्शन करने के लिए हमें मौका मिला। उसके घर में क्या क्या है, उनको चाय पिया मैंने, उनके घर में बहन जी हमको चाय पिलाओगे, बड़े आदर के साथ हमको चाय पिलाए। प्रधानमंत्री आवास योजना से घर मिला है, बिजली पहुंची है, एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना में पहुंची है, सोलर लाइट पहुंची है, सोलर कुकर पहुंची है, स्वच्छ भारत में टॉयलेट लगी है, पशुओं के लिए अलग घर बना है, अन्नपूर्णा मंडप के नाम पे किचन गार्डन बनी है, पानी उस गांव में 74 लोगों की, आदिवासियों की गांव है, पानी संरक्षण के लिए वाटर सेट सिस्टम लगी है, हैंडपंप पर्याप्त मात्रा है में है लेकिन अभी उत्साह भरी है, नल में जल आएगी। स्वरोजगार के लिए पशुपालन, कृषि, एसएचजी मूवमेंट और बागवानी, और गांव भर में कंक्रीट रोड और नाली की व्यवस्था। अभी दूसरा खुशी उस गांव में इसीलिए है कि स्वच्छ भारत की सर्वे उस गांव में आई है। यह नई भारत की गांव हो रही है उपसभापति जी, किसी को क्यों पीड़ा होनी चाहिए? भारत अगर अपने पैर पे खड़ा होगा, आत्मनिर्भर होगा। आज नई चेहरा बन रही है देश में उपसभापति जी गांव की। मैं विशेष करके राष्ट्रपति जी के भाषण के अवसर पे, मैं पूर्वी भारत से आता हूं, उपसभापति जी आप भी पूर्वी भारत से आते हैं, देश की एक तिहाई लोग काशी से कोहिमा तक, चंपारण से अंडमान तक 50 करोड़ से ज्यादा लोग पूर्वी भारत में रहते हैं। मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा, अब तक जिन प्रधानमंत्रियों के हाथ में देश रहा सबने बढ़िया काम किया, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी भारत की पहला प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने पूर्वोदय की कल्पना किया, पूर्वोदय की योजना बनाई, पूर्वोदय के लिए हाथ पकड़ा। हाथ कैसे पकड़ा? गुजरात से चुन के भी रह सकते थे, उन्होंने आया बनारस, पूर्व भारत की मुख्यशाला विद्यानगरी काशी का प्रतिनिधित्व किए। आज क्या हो रहा है पूर्व भारत में? पूर्व भारत के बारे में मैं अगर एक तथ्य उपसभापति जी आपके सामने रखूं, जो गरीब कल्याण की योजना मैंने गिनाई, उज्ज्वला योजना की 8 करोड़ में से पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत जब मैं कहता हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, समूचा पूर्वोत्तर सिक्किम से लेकर त्रिपुरा तक, यह इलाका में 8 करोड़ में से आधे से ज्यादा प्रधानमंत्री उज्ज्वला की लाभार्थी उसी इलाका में है। प्रधानमंत्री आवास योजना अगर देश में 2 करोड़ बने हैं, 1.12 करोड़ इसी पूर्वी भारत में है। अगर टॉयलेट 10 करोड़ बना है तो उसी में से 4.5 करोड़ इसी पूर्वी भारत में है। अगर इलेक्ट्रिसिटी 4 करोड़ देश में लगे हैं तो 1 करोड़ से ज्यादा पूर्वी भारत में है। पीएम किसान योजना में एक एक किस्त में सालाना 16,217 करोड़ आज जाती है। एलपीजी कनेक्शन, मैं तो उज्ज्वला को पहले तथ्य दिया, एलपीजी कनेक्शन लगभग 29 करोड़ में से 11.5 करोड़ पूर्वी भारत में है। जनधन की खाता 41.74 करोड़ जनधन खाते में से 16.22 करोड़ जनधन खाता पूर्वी भारत में है। ये और एकल विद्यालय, अभी अभी बजट में वित्त मंत्री जी ने कहा है एकल विद्यालय की आदिवासी बच्चों के लिए, जनजाति बच्चों के लिए 20 करोड़ वाला एकल विद्यालय और 30 करोड़ भी खर्चा होगा। पूर्वी भारत में 304 संख्या में आज
एकल विद्यालय खोला जा रहा है। यह केवल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए नहीं है, वहां से पूर्वी भारत से ज्यादा लोग माइग्रेंट लेबर आते हैं, रोजगार वहीं हो उसके लिए खनिज, आयरन, स्टील, कोयला, रोड सेक्टर, रेलवे, इंटरनेट, वाटरवेज और प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा में तो हमने पहली बार पूर्वी भारत में नेचुरल गैस की पाइपलाइन जगदीशपुर से लेकर हल्दिया तक खींचा है। इतना ही नहीं है, बरौनी से पूरा नॉर्थ ईस्ट की 8 राज्यों में प्रधानमंत्री के निर्देश में इंद्रधनुष योजना शुरू किया गया है। पहली बार भारत सरकार पूर्वी भारत की विकास के लिए गैस पाइपलाइन में तिजोरी से पैसा दिया है। यह प्रधानमंत्री जी की पूर्व भारत की ढांचा के लिए तत्परता है। और उड़ान योजना में उपसभापति जी मेरे मोह हो रहा है, 2-3 चीज और उल्लेख करूं, जमशेदपुर, झारसुगुड़ा, दुर्गापुर, दरभंगा, आपकी पुराने राज्य दरभंगा, देवघर, आप उससे जुड़े रहते हैं, आसाम की पासीघाट, अरुणाचल की पासीघाट, लोअर आसाम के रूपसी, डिब्रूगढ़ जिले की एक नया एयरपोर्ट है, और होलांगी अरुणाचल के ग्रीनफील्ड एयरफील्ड में, इसलिए ये सब 6-7 पूर्वी भारत की एयरपोर्ट की नाम लिया। ये कोई पटना, रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता, सिलीगुड़ी, ये ऐसा एयरपोर्ट नहीं है। प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि रहा, जब तक पूर्वी भारत पश्चिम और दक्षिण के बराबर नहीं होगा भारत में समूचा विकास संभव नहीं है। इसीलिए ये सारे सेक्टर में आज निवेश किया जा रहा है, डीएमएफ, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। और सर्वोपरि मैं कहूंगा, कुछ मित्रों को यह बात पीड़ा हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में तर्क हुई है, जब 2012-13 में देश एक विचित्र स्थिति में पहुंचा, आखिर ये नेचुरल रिसोर्स किसके हैं, ये खनिज संपत्ति उस आदिवासी के है कि नहीं है, उस राज्य के हिस्सा में आएगा कि नहीं आएगा, उन राज्यों को क्या मिल रहा है, क्या रॉयल्टी सिर्फ उनके अधिकार है, क्या मिल रहा है उन राज्यों को। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की क्या योजना है, मैं बताता हूं क्या योजना है। सुप्रीम कोर्ट ने उन दिनों में कहा, नेचुरल रिसोर्स के ऊपर मूल अधिकार भारत की नागरिकों की है, कैसे प्रधानमंत्री ने योजना बनाई है। हमारी सरकार ने पिछले 6 साल में कोयला हो, आयरन हो, बॉक्साइट हो या पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम रिसोर्स हो, यह सारे की संशोधन किया, नीतियों में संशोधन किया, नीलामी की नई व्यवस्था लाई, विशेष करके कोयला और आयरन और पूर्वी भारत की पूंजी है, बॉक्साइट पूर्वी भारत की पूंजी है, नई नीलामी व्यवस्था लाया गया। पहले तो बिना मूल्य के बड़े बड़े उद्योगपतियों को कौन चिट्ठा में दे रहा था, उसकी आज मैं नकारात्मक बात नहीं करना चाहता हूं, कौन पैरवी कर रहा था, कौन चिट्ठा में दे रहा था, कौन फलाना पार्टी की ट्रेजरर सब हां करने के बाद मंत्री जी उसको अनुमोदन कर रहे थे, ये आज विवाद की विषय हो जाएगा, मैं नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन हमने नया नीति लाया, ट्रांसपेरेंसी लाई, हमने नीलामी किया और एक भी पैसा दिल्ली की तिजोरी में नहीं आता है, उड़ीसा में नीलामी की पैसा उड़ीसा की लोगों के कल्याण के लिए भुवनेश्वर की तिजोरी में जाता है, रांची की पैसा रांची में जाता है, झारखंड की पैसा, बंगाल की पैसा कोलकाता जाती है, वहां की सरकार के हाथ को पैसा दिया जाता है खर्चा करने के लिए। हमने कोई 3 राज्य में भाजपा की शासन नहीं है, हमने कभी भेदभाव नहीं किया, विकास के कामों में आखिर गरीब किसकी है, देश की गरीब है, उनको सशक्त करना। मैंने जब कहा कि मेरे सरकार की कुछ नीति है, कुछ रीत है, मेरे सरकार की रीत नीत कल्याण है, गरीबों की कल्याण है, हमने इसको करके दिखाया। उपसभापति जी कोविड मैनेजमेंट में कई चर्चा हुई, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन 2-3 चीज कहना चाहूंगा, एक पूर्व भारत संपर्कित और एक उसकी मेरा क्या साक्षात अनुभव कैसे हुआ कोविड के कारण, मेरे को क्या गौरव आया, मैं आपको 2 शब्द में 2 विषय पे बताता हूं। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की कल्पना किया और उसमें
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना चालू की, जब माइग्रेंट लेबर पूर्वी भारत की ओर पहुंच गए, बिहार पहुंचे, बंगाल पहुंचे, झारखंड पहुंचे, उड़ीसा पहुंचे, नॉर्थ ईस्ट पहुंचे, चुनौती रहा कैसे उनको संभाले। 50,000 करोड़ रुपया की बजट लगाई गई, 50 करोड़ मैंडेट्स की सृजन किया गया देश की 116 जिले में, जिससे ज्यादा पूर्वी भारत की है। हमने रोजगार की जिम्मेदारी लिया। हमारी मेरे प्रधानमंत्री मुंह छुपा के भागने वाला नेता नहीं है, समस्या को सामने से देश को साथ लेकर लड़ने वाला नेता है। हमने उसको कोरोना को इसीलिए आज हरा पाए। आज कोरोना की उपलब्धि क्या है, उपसभापति जी, मैं बीच में प्रधानमंत्री जी की संदेशा लेके कुवैत गया था, वहां की तत्कालीन राजा 4-5 महीने पहले गया था, वहां की तत्कालीन राजा की देहांत हो गया, भारत की ओर संपर्क उनके साथ अच्छा है, प्रधानमंत्री जी की निजी मित्र रहे, मैं उनके लिए शोक संदेश नए राजा जी के पास लेके गया। नए राजा का स्वागत का पत्र पुराने राजा की शोक पत्र मैंने लेके गया, मैंने उनको मिला। मेरे को लगा कि मेरे जो प्रधानमंत्री जी की नम्रता, उनकी वक्तव्य को मैं पासन कर दूं, जब मैंने उठने लगा उन्होंने कहा थोड़ा बैठिए, मेरा एक संदेश है आपकी प्रधानमंत्री के लिए, उसको आप थोड़ा पहुंचाइए। मैं थोड़ा बैठा, फिर उनके साथ चर्चा हुई, उन्होंने कहा हम आपके आभारी हैं, आपकी प्रधानमंत्री के आभारी हैं। मैं प्रश्न पूछने के पहले उन्होंने कहा पूछो क्यों, फिर उन्होंने उत्तर दिया कि जब हम कोरोना के संकट में रहे हमारे देश में डॉक्टर नहीं थे, हमारे देश में नर्स आपके देश से आते हैं, हमने आपके प्रधानमंत्री को फोन किया, उन्होंने डॉक्टर, नर्स, दवाई, मास्क, पीपी किट ये सब उपलब्ध करवाया। मैं आपके प्रधानमंत्री के पास आभारी हूं। उपाध्यक्ष जी मेरे रोंगटे खड़े हुए, ये आभार प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं था, 130 करोड़ भारतीयों के प्रति था। ये कुवैत की कहानी नहीं है। बहुत लोग हमको सांप्रदायिक कहते हैं, मैं तो ये कहूं, मैं तेल विभाग के काम देखने के कारण खाड़ी की देशों में जाता हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता मुस्लिम राष्ट्र में खाड़ी के देशों में जितना है, शायद भारत की कोई प्रधानमंत्री को इतना सौभाग्य नहीं मिला है, और अभी कोरोना उसको और ऊंचाई तक पहुंचा है। यह कोई प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये 130 करोड़ भारतीयों की उपलब्धि है। उपाध्यक्ष महोदय, हम एक नई दुनिया में पहुंच रहे हैं। आज वैक्सीन की तो नई कहानी आई है, वैक्सीन की नई कहानी आई है, हमारी नेतृत्व को विश्व की नेतृत्व आशा की नजर से दिख रहे हैं, और सब जब विपत्ति आती है उस समय में सबकी चेहरे ध्यान में आ जाता है। विपत्ति किसमें समाप्त करता हूं उपाध्यक्ष जी, विपत्ति जब आती है सबके चेहरे आ जाते हैं। संपूर्ण देश, कनाडा किसकी पड़ोसी है मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन कनाडा की अपेक्षा भारत के प्रति है, खाड़ी की देश की अपेक्षा भारत के प्रति है, ब्राजील, लैटिन अमेरिकन कंट्री किसके पास है मैं कहना नहीं चाहता हूं, यूरोप छोड़ के भारत की प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहते हैं बलसोन और रुचि। यह मेरे नेतृत्व की पराकाष्ठा है, यह मेरे रीति और नीति है। उपाध्यक्ष जी, मैं प्रधानमंत्री जी के आदेश पे ऊर्जा विभाग के काम देखता हूं। अभी बहुत बात कहा गया किसानों के बारे में, ठीक है, यही प्रजातंत्र की तकाजा है, जोर जोर से बोल के नाटकीय ढंग की से बोलने से सच झूठ सच नहीं हो जाता, या सच झूठ भी नहीं परिवर्तित हो सकता है, तथ्य के आधार पर तर्क होनी चाहिए। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने ऊर्जा के बारे में कई सारा विषय कहा, प्रधानमंत्री जी कटिबद्ध है भारत में एनर्जी जस्टिस लाने के लिए, सस्ते दामों में एनर्जी मिले, सबको एनर्जी मिले, एफिशिएंट एनर्जी मिले, एफिशिएंट एनर्जी एफिशिएंसी रहे, बिजली आके कट ना जाए, ऊर्जा की स्वच्छता रहे, ऊर्जा की सिक्योरिटी रहे, इसी के नाम है एनर्जी जस्टिस। विश्व नरेंद्र मोदी जी की एनर्जी जस्टिस मॉडल को आज कॉपी कर रहा है,
उसमें मूल बिंदु क्या है। ऑल्टरनेटिव एनर्जी में, मैं एनर्जी की पूरा विषय को उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अल्टरनेटिव एनर्जी के बारे में कहना चाहूंगा, जिसके बारे में अभी राष्ट्रपति जी की भाषण और बजट में थोड़ा उल्लेख किया गया है। ऑल्टरनेटिव एनर्जी के भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाई, हाइड्रोजन मिशन बना के विश्व की एक नंबर देश हम बनने वाले हाइड्रोजन इकोनॉमी को खड़ा करने में। और कहां से आएगा हाइड्रोजन, हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कहते हैं, हमारी देश में सोलर एनर्जी को कैप्चर करना, बायोफ्यूल्स बायोगैस को एनर्जी में परिवर्तित करना और उसी में से दुनिया की विज्ञान की सबसे बड़ा आविष्कार हाइड्रोजन बनाना, उसी में हमारी ट्रांसपोर्टेशन हमारे उद्योग धंधे को बिना पर्यावरण को खराब करते हुए चलाने का हिम्मत नरेंद्र मोदी जी में है, यह आज सपना देख रहे हैं। उसकी लाभ किसको मिलेगा? अभी एमएसपी के बारे में बहुत तर्क रखा जाता है, तथ्य रखा जाता था, मैं एक ही विषय करके मेरा वक्तव्य समाप्त करूंगा। उपाध्यक्ष जी, एमएसपी को क्यों कानून में नहीं लाया जाता था? आपने कभी लाया था क्या? आपके पास तो पीढ़ी दर पीढ़ी खानदान की चार चार पीढ़ी देश संभालने के लिए मौका आपको मिला, अनेक राज्यों में आपकी जागीर आप समझ के शासन चलाए, तब आपने कानून में लाया था। आप 13-14 में हमको शासन छोड़ के गए। मैं तीन कमोडिटी का नाम लेना चाहता हूं उपाध्यक्ष जी, गेहूं धान दलहन, इन तीन कमोडिटी में 13-14 में आपने एमएसपी कितना दिया था? आपने 13-14 में गेहूं में 63,000 करोड़ एमएसपी दिया था। अभी हमने 21-22-21 में 1,72,752 करोड़ एमएसपी दिया है। मेरे पूर्व वक्ता पिछले दिन विजयपाल सिंह जी इसको उल्लेख करे तो मैं दोहरा रहा हूं, कुछ लोगों को सत्य को सुनना कष्ट होता है, सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य को सुनने से ही मोक्ष मिलेगा। ये पहला वाला मैंने कहा धान के बारे में 63,000 करोड़ रुपया पहले था, 1,72,00,000 धान के बारे में। गेहूं 13-14 में 33,874 करोड़ रुपया में एमएसपी उन दिनों की सरकार ने दिया था। इसी साल हमने 75,050 करोड़ रुपया एमएसपी दिया। दाल तो न्यूट्रिशन होता है, ये तो कार्बो होता है, ये न्यूट्रिशन होता है, व्यक्ति की ऊर्जा के लिए ही आवश्यकता है। आपने कितना दाल खरीदी थी माननीय? इतने लंबे लंबे भाषण दे रहे थे, गला फाड़ के भाषण दे रहे थे। आपने 236 करोड़ रुपया की आपने एमएसपी दिया था और मोदी जी ने पिछले साल 10,500 करोड़ रुपए की एमएसपी दिया है। और हमें प्रश्न पूछते हो एमएसपी कहां गया? कुल मिला के आपके समय में एक साल में 97,110 करोड़ एमएसपी दिया गया था और हमारी समय में एक साल में वो संख्या बढ़ के लगभग 2,60,000 करोड़ हुआ है। अब हमें प्रश्न पूछते हो, काम करने वाले को, ईमानदार व्यक्ति को, किसान हितैषी को आप प्रश्न पूछते हो? और मेरे मित्र हमारे उड़ीसा से आते हैं, वरिष्ठ किसान बैकग्राउंड से आते हैं प्रसन्न आचार्य जी, कल इनका मैंने आज उड़िया अखबार में पढ़ा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं कर रहे? प्रसन्न जी, आप लंबे वरिष्ठ संसदीय व्यक्ति हो और आपके साथ युवा साथी सस्मित भाई भी है, दोनों पढ़े लिखे मेरे राज्य की दो रत्न हो आप, थोड़ा स्वामीनाथन जी की कमेटी की रिकमेंडेशन ठीक से पढ़ लेते। और स्वामीनाथन जी की इस कमेटी को हमने लागू किया, मोदी जी ने लागू किया, 1.5 गुना आमदनी हमने लागू किया उसको, थोड़ा उन्हीं की, हमारी बात छोड़ दीजिए, मोदी जी को आपको भरोसा नहीं है, धर्मेंद्र पे आपका भरोसा कम है, मैं प्रतियोगी हूं आपका, प्रजातंत्र में तो इतना होना ही चाहिए, लेकिन संभी सस्मित थोड़ा आप अभी भाषण दोगे, थोड़ा उसके पहले मेरा अनुरोध रहेगा, स्वामीनाथन जी ने इस कमेटी की रिकमेंडेशन के लागू करने के बाद क्या कहा उसको पढ़ के थोड़ा ईमानदारी से भाषण देना। प्रसन्न भाई, आप मेरे बड़े हो, मैं आपको ज्यादा नहीं कहूंगा, आपसे ये मेरा अपेक्षा नहीं था, कम से कम आप तो विद्वान हो भाई, आप कम से कम तथ्य सामने रखते, गुमराह मत करिए। अभी दूसरा ऑल्टरनेटिव एनर्जी में किसानों के साथ संपर्क किया, उसी में मैं आके वक्तव्य खत्म करूंगा। एक उदाहरण दूंगा, अटल जी जब सरकार में थे उन्होंने कहा हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल में, नीति बनी, अटल जी गए तो नीति को खटाई में डाल दिया गया। 2014 में हमने आके जब देखा पीएम ने कहा कि देखो भाई एथेनॉल फिर ब्लेंडिंग करना है, किसानों को पैसा जाएगा, गन्ना किसानों को पैसा जाएगा,
तो उसमें हमने पाया 12-13 में 35 करोड़ लीटर पेट्रोल में ब्लेंडिंग करने के लिए हमने खरीदा था। तेल कंपनियों ने आवश्यकता की 0.67% से नीचे हमने खरीदा और उसकी मूल्य लगभग 492 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया। अब पिछले साल हमने योजना बनाई, योजना बदली, हमने इसी साल, उपाध्यक्ष जी मैं तथ्य रख रहा हूं, मन की बात नहीं कह रहा हूं, कहानी नहीं कह रहा हूं, गप्पे नहीं मार रहा हूं, तथ्य कह रहा हूं। एमएसपी के बारे में चिल्लाने वाले लोग थोड़ा सुने क्या मोदी जी की विजन है। 2021 में एथेनॉल हमने 325 करोड़ लीटर खरीदने का योजना बना ली है, खरीदना शुरू कर लिया, जिसकी मूल्य होगा 20,000 करोड़ रुपया। यह हमारी आवश्यकता के 8.5% पूरा करेगा। इसको हम आगे आने वाले दिनों में 20% ले जाएंगे। एथेनॉल, कंप्रेस बायोगैस, 5,000 कारखाना लगने वाला है। गोवर्धन योजना हमने शुरू किया है, प्रधानमंत्री जी ने गोबर, खेतों की जो वर्ज्य वस्तु है, शहरों की जो वेस्ट है, जंगलों की जो वेस्ट है, जो कार्बन है, जिस जो बायोमास में कार्बन है, सबको एनर्जी में परिवर्तित किया जाएगा। चंद दिनों में गाजीपुर जैसे ये कचड़े की ढेर को साफ किया कर दिया जाएगा और उसी एनर्जी को जो हम बनाएंगे, हम किसानों के खाते में 1,00,000 करोड़ रुपया की एडिशनल इनकम हम देने वाले हैं, उसी में से किसानों की आमदनी दुगनी होगी। यह हमारी सरकार की विजन है, हमने करके दिखाया। किसी को वाह लगे, जिन्होंने किया कभी जिंदगी में नहीं, सिर्फ लोगों को बातें सुनाए, हमारी खानदान की कहानी सुनाए, सोने की चामच से जो लोग जन्मे हुए हैं उनको कैसे पचेगा चाय बेचने वाले की बेटा, जिनकी माँ दूसरों के घर में बर्तन माज के अपने परिवार चलाया था, ऐसे व्यक्ति की, ऐसे परिवार से व्यक्ति लड़का जब आके देश की कामकाज संभालेगा, प्रधान सेवक बनेगा, किसके बारे में चिंता करेगा? कुछ लोगों को तो पीड़ा होगा ही, सोने की चामच लेके जन्म करने वाला साम्यवादी लोग, उनको आज पीड़ा हो रही है, इसीलिए सरकार के खिलाफ वो लोग आवाज उठा रहे हैं। उनको देश की प्रजातंत्र में जो भगवान है उनको सब देख रहा है। उपाध्यक्ष जी, मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं इसी शब्द के साथ। हमारी प्रतिबद्धता है कल्याण के लिए, हमारी प्रतिबद्धता है देश के विकास के लिए। उड़ीसा की एक महान दलित और पिछड़े और आदिवासी समाज समूह के जो संत रहे, प्रेरक रहे, संत कवि भीमा भोई, उन्होंने एक बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, जिसकी उक्ति यूनाइटेड नेशन में भी लिखा गया है, मोजीब न पछे नर्क के पड़ी था जगत उद्धार हो। भारत की विचार वसुधैव कुटुंबकम में है। हमने कोरोना में विश्व को एक माना, मानवता को एक माना, हमने तय किया है अगर भारत की गरीबों की कल्याण करेंगे तो विश्व की कल्याण होगा। और उसमें अगर पूर्वोदय की चिंता किया जाएगा, पूर्वोदय में अर्थनीति की विकास किया जाएगा, रोजगार की चिंता किया जाएगा, वहां की स्वाभिमान अधिकार के बारे में चिंता किया जाएगा, तब देश विकास होगा। इसी भीमो भोई की फिलोसफी भारत के अनेक संतों ने अपने अपने भाषा में किया है। यही हमारी सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार की ध्येय वाक्य है। आज ऐसे एक सरकार इसी संकट की क्षण में, इस संधि में आज देश की शासन संभाल रही है, सेवा कर रही है। यह यशस्वी होगा, देश हमारा यशस्वी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उपसभापति जी, आपने हमको मौका दिया, अनेक अनेक धन्यवाद।